नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश महाराष्ट्र की महाभारत में। मैं हूं राधिका। महाराष्ट्र की महाभारत में बात करेंगे मुंबई की चेंबूर विधानसभा सीट की। चेंबूर का नाम मराठी शब्द चेंबूरी से लिया गया है, जिसका अर्थ बड़ा केकड़ा होता है। चेंबूर विधानसभा सीट मुंबई साउथ सेंट्रल लोकसभा सीट का हिस्सा है। चेंबूर सीट पर बीजेपी का 1990 से 1999 तक कब्जा रहा, लेकिन 2004 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीट बीजेपी से छीन ली। 2009 में यहां से कांग्रेस के चंद्रकांत दामोदर हंडोरे ने लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की थी। उन्होंने एमएनएस के अनिल बाचूभाई को बड़े अंतर से हराया था। हालांकि 2014 में कांग्रेस को ये सीट गंवानी पड़ी और शिवसेना ने ये सीट अपनी झोली में डाल ली। इस बार फिर चेंबूर सीट पर सियासी बिसात बिछ चुकी है। चेंबूर सीट से शिवसेना की तरफ से एक बार फिर मौजूदा विधायक प्रकाश फातेरपरकर मैदान में हैं, वहीं कांग्रेस के चंद्रकांत दामोदर उन्हें टक्कर देने के लिए मैदान में हैं। अगर बात करें 2014 के विधानसभा चुनाव की, तो उस वक्त भी चेंबूर विधानसभा सीट से शिवसेना के प्रकाश फातेरपरकर ने कांग्रेस प्रत्याशी को 10,027 वोट से हराकर ये सीट अपने नाम की थी। 2014 में शिवसेना के प्रकाश फातेरपरकर को 47,410 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के चंद्रकांत दामोदर को 37,383 वोट मिले थे। वहीं तीसरे नंबर पर रहे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के दीपक सदाशिव को 36,615 वोट मिले थे और एमएनएस की सारिका थडानी को 5,832 वोट मिले थे और वो चौथे नंबर पर रहीं। बात करें 2014 के वोट शेयरिंग परसेंटेज की, तो शिवसेना को 33.99%, कांग्रेस को 26.80%, आरपीआई को 26.25% और एमएनएस को 4.18% वोट मिले थे। बात करें 2009 विधानसभा चुनाव की, तो उस वक्त इस सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। उस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकांत दामोदर ने एमएनएस प्रत्याशी को 17,966 वोट से हराया था। 2009 में कांग्रेस प्रत्याशी चंद्रकांत दामोदर को 47,431 वोट मिले थे, जबकि एमएनएस प्रत्याशी अनिल चव्हाण को 29,465 वोट मिले थे। हालांकि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की सियासत बदल चुकी है, तो इस बार के नतीजों पर भी असर देखने को मिलेगा। इस बार बीजेपी शिवसेना एक साथ और कांग्रेस एनसीपी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे में घमासान जोरदार होने की उम्मीद है। चेंबूर ग्रामीण सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र की महाभारत में अभी के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही शेयर करें, लाइक करें और वन इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।